हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेसन का चूरमा बना रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसको बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, 100 ग्राम सूजी, 200 ग्राम बूरा चीनी, इलायची पाउडर, मैंने थोड़े से काजू लिए, 150 ग्राम मैंने घी लिया है। अब चूरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें बेसन डाल देंगे, सूजी डाल देंगे, आप सूजी की जगह आटा भी ले सकते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे, सूजी से चूरमे में बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब हम इसमें मोइन डालेंगे, हम 3 चम्मच मोइन के डाल देंगे इसमें। अच्छा मोइन होएगा तो अच्छे से पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से। अब अच्छे से मोइन को मिला लेंगे, चूरमे में अच्छे से मोइन होना चाहिए। हमने मोइन को अच्छे से मिला लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा लेंगे। इसका आटा हमें टाइट ही लगाना है। हमने इसका आटा लगा लिया, ये टाइट है। अब हम इसकी मुठरियां बना लेंगे। आप चाहे तो गोल गोल टिक्की की तरह भी बनाकर सेक सकते हैं। हम लंबी लंबी मुठरियों की तरह बना लेंगे ताकि अच्छे से सिक जाएंगी अंदर तक। ऐसे दूसरी मुठरी भी बना लेंगे। हमने सारी मुठरियां बनाकर तैयार कर रख ली हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए घी गरम होने के लिए रख दिए। हमारा घी गरम हो गया है, हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। गैस को हमें लो फ्लेम पे कर देना है ताकि कम आंच में अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। ज़्यादा आंच में अंदर तक नहीं सिकते हैं ये, धीरे धीरे आंच में अंदर तक सिक जाएंगे। अब एक तरफ से थोड़े थोड़े सिक गए हैं, हम इनको पलट देंगे। हल्का हल्का कलर चेंज हो गया इनका। हम ऐसे ही इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे कलर में। ऐसे पलट पलट के सेकेंगे हम इनको, थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे। हमने इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, इनका कलर भी बहुत अच्छा कलर आया है। हमने पलट पलट के सेका है इनको। अब हम निकाल लेंगे इनको। हम बाकी को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको थोड़े थोड़े टुकड़े कर देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए ये। ठंडे होने के बाद में हम इनको पीसेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गए हैं, अब हम इनको पीसेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हमको पीस लेंगे इनको। हमने इनको पीस लिया है। अगर ये थोड़ा मोटा रह जाए तो आप चलनी से छान ले, और थोड़ा मोटा रह जाए तो दोबारा से पीस ले। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। हमने चीनी को अच्छे से मिला लिया। अब इसमें काजू भी डाल देंगे, इलायची भी डाल देंगे, इनको मिला लेंगे।
हमने सबको अच्छे से मिलाया। अब हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। आप जितना घी पसंद करते हैं आप उतना ही घी डाल लें इसमें। अगर आपको ज़्यादा घी खाना है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम खाना है तो कम डाल लें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हमारा चूरमा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चूरमे के लड्डू बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डालकर आप लड्डू बना सकते हैं। हमारा चूरमा बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी से इस चूरमे को ज़रूर बनाकर देखें, यह आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी त्यौहार पर ज़रूर बनाकर देखें।